नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हमीरपुर कॉलेज में फिर भिड़ंत, एक पर खुखरी से हमला, 8 छात्र सस्पेंड। छात्रों का डर भगाएगा शिक्षा विभाग, नवंबर व फरवरी में होंगी प्री बोर्ड की परीक्षाएं। कॉलेजों में 6 साल बाद हो सकते हैं एससीए चुनाव, कुलपति ने दिए संकेत। सोलन डहर में 2 सड़क हादसे, 3 लोगों की मौत। मंडी कांगड़ा में अंशकालीन जलवाहकों का धरना प्रदर्शन। 14 जुलाई तक खुशगवार बना रहेगा मौसम, अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। और नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट में हिमाचल की प्रियंका और सोमी ने जीते गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर में SFI व ABVP कार्यकर्ताओं में सोमवार सुबह अनुचौक पर झड़प हो गई। इसके चलते SFI व ABVP कार्यकर्ताओं में चौक पर खूब लात घूंसे चले। हमले में ABVP के एक छात्र के सर पर चोट आई है, जिसका इलाज हमीरपुर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ABVP का कार्यकर्ता सुबह 9:30 बजे के करीब जब अनुचौक से कॉलेज जा रहा था, तो SFI के कार्यकर्ताओं ने उस पर खुखरी से हमला कर दिया। इस घटना के बाद कॉलेज परिसर छावनी में तब्दील हो गया। कॉलेज पहुंच रहे छात्र छात्राओं के बैग चेक किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी छात्र बैग में हथियार न ला सके। माहौल शांत होने तक बड़े बैग न लाने के निर्देश दिए गए हैं। झड़प के बाद SFI कार्यकर्ताओं ने कॉलेज गेट के बाहर विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद के नारे लगाए। उधर बीते शनिवार को कॉलेज परिसर में हुई खूनी झड़प में संलिप्त 8 छात्रों को 15 जुलाई तक सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड छात्रों को अपने अभिभावकों सहित कॉलेज कमेटी के समक्ष अपनी बात रखनी होगी, उसके बाद ही उनकी बहाली पर बात होगी। तो जो और हैं उनको हमने सस्पेंड किया 10 दिन के लिए, और उनको 15 तारीख तक सस्पेंड रखेंगे। वो उनकी एंट्री डैन है कॉलेज में, अपने पेरेंट्स लाएंगे 13 और 15 के बीच में। अगर हमें लगा कि इनकी एक्सप्लेनेशन अगर ठीक है तो हम उनकी सस्पेंशन रिवो करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को इस बार बोर्ड परीक्षा में सुधार के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत ने कहा कि स्कूल प्रबंधन बोर्ड की फाइनल परीक्षा से पहले नवंबर व फरवरी माह में प्री बोर्ड के एग्जाम करवाएं। इससे जहां छात्रों में परीक्षा का डर दूर होगा, वहीं एग्जाम पैटर्न के बारे में भी उनको जानकारी मिल पाएगी। विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस बार बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार की बात की है। विभाग ने कहा कि हर साल सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणाम में गिरावट आ रही है। वर्ष 2018-19 में 10वीं में जहां 63.39% और जमा 2 में 70.18% रिजल्ट रहा था, वहीं इस साल 2019-20 में रिजल्ट में गिरावट आने के बाद 10वीं का रिजल्ट 69.79 और जमा 2 का परिणाम 62.01% रहा है। प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव न होने से संस्थानों में 6 साल से छाई खामोशी खत्म हो सकती है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समेत सूबे के 135 कॉलेजों में 2014 के बाद इस बार प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव की संभावना है। HPU के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा कि अगर कैंपस में माहौल शांतिपूर्ण रहता है तो राज्यपाल व सरकार तक व खुद प्रपोजल को लेकर जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस साल से चुनावों को प्रत्यक्ष रूप से करवाने के लिए तैयारियां भी कर ली हैं। वहीं SCA चुनाव को लेकर गठित की गई कमेटी के साथ भी चर्चा हो चुकी है। फिलहाल HPU में प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव की बहाली इसी शर्त पर होगी कि कैंपस, हॉस्टल और कक्षाओं में माहौल को शैक्षणिक बनाया जाए। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। एटर्नल यूनिवर्सिटी बडू साहिब सिरमौर, एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा आधारित शैक्षणिक संस्थान, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करने के लिए आए बडू साहिब। छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स व मैथमेटिक्स, पंजाबी, इंग्लिश, मनोविज्ञान, संगीत, लाइब्रेरी साइंसेज, ICT व IT सहित BEd और नर्सिंग में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की शिक्षा। सभी खर्चों सहित सालाना फीस अन्य सभी विश्वविद्यालयों से कम। कैंपस प्लेसमेंट में अग्रणी कंपनियों में छात्राओं को 6 लाख तक का पैकेज प्राप्त, साथ ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए अनुबंध। एडमिशन प्राथमिकता के आधार पर 70% से अधिक प्राप्त अंकों पर स्कॉलरशिप। आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सोलन राजगढ़ रोड पर एक कार के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हादसा मरियो के समीप पेश आया। दोनों लोग सोलन से राजगढ़ की ओर जा रहे थे।
बताया जा रहा है कि गाड़ी करीब 800 मीटर खाई में जा गिरी। कार हादसे की सूचना सदर पुलिस सोलन को दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया। मरने वालों में भूपेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, रविंदर सिंह पुत्र खेमराज निवासी कंडा तहसील राजगढ़ शामिल हैं। उधर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 डहर के पास सुंदरनगर की ओर से शिमला जा रही एक स्विफ्ट कार की विपरीत दिशा से आ रहे तेल के टैंकर से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौत व अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतक की पहचान श्यामलाल निवासी सरा डाकघर बगसियाड़ तहसील थुनाग जिला मंडी के रूप में हुई है। गंभीर घायल दो युवतियों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में छानबीन शुरू कर दी है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत अंशकालीन जलवाहकों ने सोमवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंडी के सेरी मंच और कांगड़ा के धर्मशाला शहर में जलवाहकों ने प्रदर्शन किया। मंडी में जिला स्तरीय अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ के बैनर तले जलवाहकों ने सेरी चाननी पर श्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इस अनिश्चितकालीन श्रमिक अनशन में 20 ब्लॉकों के प्रधान व उनकी कार्यकारिणी व जिला कार्यकारिणी के सदस्य भाग ले रहे हैं। जलवाहक संघ के जिला प्रधान भुट्टू राम ने कहा कि सरकार से बार बार मिलने के बावजूद जलवाहकों को केवल मात्र आश्वासन ही मिल रहे हैं। आज जो जिला मंडी में अनशन के ऊपर बैठे हैं, जो सरकार के समक्ष हमने कुछ मांगे डीसी के माध्यम से सरकार को भेजी गई थी, वो सरकार उस मांगों के ऊपर गौर नहीं किया गया, तो आज जिला मंडी में अनशन पे जो लोग बैठे हैं, हमारी मांग सरकार से ही है कि 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जलवाहकों को विधिपूर्वक से नियमित की जाए बिना शर्त से, और अगर शिक्षा विभाग में खाली पद नहीं है तो हमें अन्य विभाग में भेज दिया जाए। उधर धर्मशाला में भी जिला स्तरीय अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ के सदस्यों ने संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार एवं उपाध्यक्ष बलवीर ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस ग्राउंड धर्मशाला से लेकर जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय तक एक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार एवं उपाध्यक्ष बलवीर ठाकुर ने कहा कि हमारे कर्मचारियों को अंशकालीन के तौर पर जलवाहकों के पद पर 12 से 14 साल हो गए हैं। सरकार से कई वर्ष नियमित करने की मांग की गई है, मगर प्रदेश सरकार ने आश्वासन के सिवा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। तो हम कई बार जो है सरकार से मिल चुके हैं, विधानसभा सत्र में भी मिल चुके हैं, उधर ओकओवर में भी मिल चुके हैं, सीएम साहब से भी, शिक्षा मंत्री जी से भी, उससे सिर्फ हमें जो है वो आश्वासन नहीं मिला, लेकिन आज दिन तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, क्योंकि हमारी मांगों को जल्द से जल्द जो है वो पूरी की जाए। हिमाचल प्रदेश में 14 जुलाई तक मौसम खुशगवार बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिनों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। राज्य में सोमवार को अधिकांश क्षेत्रों में काले बादल घिरे रहे। कुछ स्थानों पर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। नाहन के अधिकतम तापमान में सबसे अधिक 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर व हमीरपुर के तापमान में 2, शिमला, सुंदरनगर, कल्पा, धर्मशाला व केलांग के पारे में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई। वहीं शेष हिमाचल के अधिकतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले हल्की बढ़ोतरी हुई है। राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते रविवार की शाम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कसौली में सबसे अधिक 111 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में 14 जुलाई तक मौसम खुशगवार बना रहेगा। और अब वक्त है खेल समाचार का। हिमाचल की बेटियों प्रियंका और सोमी ने नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुई नेशनल चैंपियनशिप में धर्मशाला की प्रियंका ने 48 किलो भार वर्ग में सोना जीता। वहीं जिला के ही नूरपुर की सोमी देवी ने 54 किलो भार वर्ग में सफलता हासिल की। इस दौरान इन दोनों बेटियों ने हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को हराया और देश भर में हिमाचल के नाम को रोशन किया। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। जीतो लाखों के उपहार। जी हाँ, हिमाचल का नंबर वन मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है एक आकर्षक उपहार योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर और भी ढेरों इनाम। अपनी प्रति सुनिश्चित करने हेतु आज ही अपने हॉकर से या नजदीकी एजेंट से संपर्क करें और भाग लें दिव्य हिमाचल की जीतो लाखों के उपहार योजना में। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल या संपर्क करें 01892264713 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते
सड़क की टायरिंग उखड़ने पर अब अफसरों की खैर नहीं, सरकार ने अख्तियार किया कड़ा रुख। परागपुर ब्लॉक की नंगल चौक ग्राम पंचायत की आम सभा में भारी हंगामा, निरस्त कर दी पूरे गांव की बीपीएल सूची। चौपाल के वन कर्मियों ने बेच दी सरकारी देवदार की लकड़ी, दो फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड, ड्राइवर सात नगों के साथ पकड़ा। और सरकार का सराहनीय फैसला, स्कूल छोड़ चुके छात्रों को भी मिलेगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं हंसराज रघुवंशी की आवाज में ये कांगड़ी शिव भजन। आज के बुलेटिन में इतना ही, पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।